नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। जागो ग्राहक जागो का संदेश देते किन्नरों का ये अनोखा प्रदर्शन देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। जब एक आभूषण विक्रेता ने किन्नरों को नकली सोना बेच दिया, उसके बाद किन्नरों ने उसकी दुकान के बाहर जमकर बवाल काटा। उसके बाद जो हुआ वो आपको दिखाते हैं। अक्सर आपने किन्नरों को शादी विवाह के साथ साथ मांगलिक कार्यों में नाच गाकर बधाई लेते हुए ही देखा होगा, लेकिन आज रेवाड़ी के किन्नरों ने कुंजगली स्थित निखिल ज्वेलर्स के बाहर जमकर बवाल काटा। किन्नरों का आरोप था कि ज्वेलर्स ने उनके साथ धोखाधड़ी की है। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक अंगूठी मार्क की ली थी, लेकिन दुकानदार ने जानबूझकर उसकी जगह दूसरी अंगूठी दे दी। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी वह इसी दुकानदार से लाखों रुपए के जेवरात खरीद चुके हैं। आरोप है कि इससे पहले भी ज्वेलर्स ने उनके साथ धोखाधड़ी की है। उन्होंने लाखों रुपए के आभूषण इसी दुकान से खरीदे। आभूषण देने में धोखाधड़ी के साथ साथ जब उन्हें पक्के बिल की मांग की तो दुकानदार ने हमेशा एस्टीमेट का बिल बनाकर दे दिया। उन्होंने कहा कि शक होने पर उन्होंने अंगूठी को लैब में चेक कराया तो पता चला कि ये अंगूठी मार्क की नहीं होकर आम अंगूठी है। सभी किन्नरों ने एकत्रित होकर ज्वेलर्स की दुकान के बाहर जमकर बवाल काटा। किन्नरों को इस तरह बवाल काटते देख सड़क पर भारी संख्या में लोग जमा हो गए। किन्नर अपने साथ हुई धोखाधड़ी को तो बयां कर ही रहे थे, साथ ही वह जागो ग्राहक जागो की आवाज भी बुलंद कर रहे थे। इस विषय में ज्वेलर्स का कहना है कि वह अंगूठी बदलने को तैयार है। किन्नर समाज जब ज्वेलर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए भांडवास चौकी में शिकायत दी है। पुलिस का कहना है कि वह जल्द ही जांच कर कार्रवाई करेंगे। पहले भी उसने नकली सोना दिया था, हमने कोई अंबार ठंडी करके बैठ गए। उसने दुनिया भर के हमारे साथ में करा और हमें नकली अंगूठी मुझे दी। उसने बोला 22 कैरेट का सोना है और मैंने आके लैब में चेक करवाया, पुरानी अंगूठी नकली सोना। अब एक बात बताओ, हम लोग दुआ करके नाच गा के कमाते हैं, समाज के लोग ऐसा हमारे साथ में करते हैं, हम कहाँ जाएं? आपको पता कैसे चला? हमें पता ऐसे चला, मैं अंगूठी लेके घर में आई, मैंने अपनी गुरुजी को दिखाया। सपने, ये मेरी सपना माँ है, ये मेरे चार गुरुजी, इनको मैंने दिखाया। इन्होंने बोले ये अंगूठी नकली है, ये अंगूठी पुरानी अंगूठी है। तो इन्होंने जाके लैब में टेस्ट करवाया और वो अंगूठी जैसा कि हमें सकता वो सच्चाई थी, वो अंगूठी नकली। आपने शिकायत दी पुलिस में कोई? जी, हमने कोई शिकायत नहीं दी, बस हम अपने समाज से जिसके लिए दुआ करते हैं हमें वो इंसाफ मिलेगा। एक स्वर्णकार समाज है, वहाँ मिले आप लोग? हाँ जी, स्वर्णकार समाज है, नीरज सोनी है। हाँ जी, हम इनसे मिले थे, उन्होंने सबने हमने लैब में भी मुझे बताया कि ये नकली है, हमने लैब में भी टेस्ट करवाया। इनके जो स्वर्णकार है ना, एसोसिएशन प्रधान है नीरज सोनी, उनसे हम मिले, बताइए उनको? अभी नहीं मिले हैं, अभी हम उन्हीं के पास में जाएंगे और हम अपनी जांच पड़ताल पूरी करेंगे। हमें पूरा पूरा इंसाफ चाहिए, आप सबसे हमें हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट। कितने रुपए दी? ये उसने मुझे दी थी 26,000 की पूरी पूरी अंगूठी दी थी और उन्हें बाकायदा पक्का बिल भी मुझे बना के दिया है। आशीष जी, अभी कुछ देर पहले यहाँ किन्नर समाज ने यहाँ प्रदर्शन किया था, क्या पूरा मामला है? जी, ये कुछ भी नहीं, ये कोई रुखसार किन्नर करके है, ठीक है। ये हमसे कोई सामान लेके गई थी तो वो कह रही कि ये सामान नकली है, अगर सामान नकली है तो हमारा सामान दे जाओ और हमसे पैसे ले जाओ। ये कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया हमारे खिलाफ। हमें इनसे पहले सामान दिया था तो उसके बाद हमने इनसे पैसे मांगे तो 2-3 साल तक इन्होंने हमसे पैसे नहीं दिया। हम पीछे घूमे, इन्होंने क्या किया, वो सामान गड़ा के और इन्हें किस यूज़ में यूज़ करें हमें नहीं पता। हमें किसी के पता चला कि भाई इसने ये पैसे इधर उसे उधर कर दिए। हम 3 साल तक पैसे घूमे, इसने चेलाओं के इकट्ठे करके हमारे 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार करके पैसे हम तक पहुँचे। ये सिर्फ षड्यंत्र रचा गया है वो हमें बदनाम करने का, हमारी दुकान खराब करने का, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर हमने जो सामान दिया है वो कहती है वो गलत है तो 26,000 रुपये की वो अंगूठी जो बता रही है, 26,000 की अंगूठी मैंने दी है, हमारी अंगूठी वापस कर जाओ, हम उसको पैसे वापस कर। कितने दिनों से यहाँ आपके यहाँ परचेजिंग कर रही हैं? वो बहुत टाइम से आ रही है। कितने लगभग कितने दिनों से? भाई पहले बहुत टाइम पहले वो हमसे सामान लेके गई थी, उसके बाद उसके चेला वगैरह हमारी दुकान पे आते हैं। एक आरोप इस तरह का भी है कि जब वो बिल की बात होती है तो जो एस्टिमेट बिल होता है जी, तो कच्चा बिल पर ही उन्होंने जो है आपने उसको सामान बेचा है? नहीं, मैंने कच्चे बिल पर नहीं, मैंने पक्का बिल दिया उनको। नहीं, 26,000 का आपने पक्का दिया है, इससे पहले जो परचेजिंग हुई है उसका कच्चा बिल की बात उनके पास सारे, हमने सारे बिल दिए हैं उनको, जो भी उनके पास है उनके पास बिल मिलेंगे और वो बहुत पुराने बिल है, वो निकाल के आएंगे तो हमारे पास भी कुछ ना कुछ उनका कॉपी वगैरह मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं।
तो ये मानता कि जो अगर जो बात कर रही है अंगूठी की जो बात कर रही है अगर वो लेकर आती है तो आप उसको चेंज कर देंगे? मैं चेंज कर दूंगा, जो उसके पैसे बनते हैं 26,000 रुपए मैं उसको रिटर्न कर दूंगा। मैं तो ये चीज पहले भी उनको ये बोली, उनको ये तांडव करने की कोई जरूरत नहीं थी, यहाँ जलूस लगाने की कोई 1% जरूरत थी। मैं तो ये बोलता हूँ कि जो पहले मेरे से सामान लेके गई है मेरा वो सामान वापस लिया, मैं उसके भी पैसे रिटर्न कर दूंगा। लेकिन वो सामान लाएंगे कहाँ से? जब मैं पहले पैसे लेने गया तो मैंने बोला कि भाई मेरा सामान वापस दे दो, उनने मेरे से सामान दिया है क्योंकि वो सामान गड़वा चुके थे। ठीक है, वो कहीं ना कहीं गलत है, उसके उस चीज की रंजिश के चक्कर में वो ये षड्यंत्र सारा हमारे खिलाफ मचा गया। वो कहती मार्का की चीज लेके गई और बाद में वो टच का माल निकला। जी ऐसा है, वो ये चीज बोल रही है, तो जो पहले का सामान है वो हमारे पास लिया, वो कोई दिक्कत नहीं, मैं उसके पैसे रिटर्न करने के लिए तैयार हूं। ये जो अंगूठी की बात थी, अंगूठी की कैसे बात हुई कि आपके पास दूसरी अंगूठी रखी हुई थी? ये अंगूठी मेरे किसी कस्टमर की रखी हुई थी और बाबूजी ने अलग से रखी हुई थी, ये उसकी मतलब कि नॉर्मल जो हम अपने सेल करते हैं वो अंगूठी नहीं थी, ये किसी कस्टमर की थी, वो कलगढ़ के कस्टमर की, वो मैंने साइड बाबूजी ने साइड में रखी हुई थी, वो मेरे से बाबूजी दवाई लेने चले गए तो मैंने पीछे से उठा के वो उनको दे दी। और मेरे अगर मेरे मन में कोई मलाल होता तो मैं उनको पक्का बिल नहीं देता। ठीक है, उसके बावजूद भी मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, अगर उनके पास वो बोलते हैं कि भाई तुम्हारी चीज़ गलत है तो मेरे पास मेरी रिंग वापस दे जाओ, अपने 26,000 ले जाओ। बाहर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, किस चीज का ये प्रदर्शन है, क्या बात है पूरी? जी यहाँ पे जो निखिल ज्वेलर्स है, राधेश्याम ज्वेलर्स, इनसे हमने सोना लिया, पहले भी हमारे साथ बहुत फ्रॉड किया। अभी हाल ही में मैंने परसों अंगूठी ली इनसे, कल उस अंगूठी के अंदर मैंने टाका टंच उसका चेक करवाया तो 22 कैरेट का इसने मुझे पक्का बिल बना के दे रखा है, मैं आपको बिल भी दिखाऊंगी, है ना। तो वो अंगूठी चेक करवाई तो 80% की वो अंगूठी बताई गई। अब ये ना मेरा कोई समाधान करता जी, भतेरा इसने हमें लूटा, मैं तो कानून प्रशासन में भी आई हूँ, है ना, कानूनी कार्रवाई भी करूँगी। इससे पहले भी देखो ये एस्टीमेट के बिल देता है, हमें अमीजड़ों को इतनी नॉलेज तो होती नहीं, ये एस्टीमेट है, एक बिल इसका पक्का ये कल का दियोड़ा है, GST का है तो GST से दब के बिल देता है हमें, हमें इतनी नॉलेज तो थी नहीं जी। अब आपको पता पढ़े लिखे तो किन्नर होंदे नहीं, है ना, तो इस बिना पे जी मैं कानून प्रशासन में भी जाऊंगी, कानून से भी कार्रवाई इसकी करवाऊंगी, है ना, ये हमारा चोर है। कितने लाख का अभी तक आपने यहाँ से सोना खरीद चुके हैं? मैं इससे 15 से 20 लाख तक का मैंने इससे लेन देन किया है, वो सब सोना वो तो 75% का बताया गया जो मैंने इससे पहले लिया है, उसमें भी कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं, उसमें भी उसमें डिफेक्ट है वो सोना? हाँ सारा डिफेक्ट ही है जी, हॉलमार्क का एस्टीमेट बना के देता है बिल और उसको चेक करवाते हैं जैसे, तो वो 75% का बताया, मैंने गड़वाया भी, 2-3 वहाँ के जो गड़ाने वाले हैं, टेस्ट लैब रिपोर्ट है मेरे पास, सारे कागज भी रखे हैं उसके भी। तो अब आप क्या मांग करते हो? अब मैं मांग करती हूँ जी मेरा इससे समाधान फैसला हो जावे, कानून प्रशासन मेरी सुनवाई करे और जो इसने हमारे साथ फरोड किया है इसे सख्त से सख्त सजा दी जावे जी, मैं यो चाहती हूँ। जो किन्नर समाज आपके पास आया है सोनार को लेकर, वो शिकायत ली गई है, उसकी जांच का विषय है, जांच में जो भी कार्रवाई अमल में आएगी अमल में लाई जाएगी जैसी भी। कमल सोनी साहब, आप ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो इनके पास जो बिल है ये किस तरीके के बिल है, इसमें क्या कुछ कमियां हैं? आपने ये बिल भी देखे होंगे और ये सोना भी आपके आगे है, तो किस तरीके की कमी है इसमें? बिल तो सर 22 कैरेट हॉलमार्क का है जी, लेकिन ये अंगूठी हॉलमार्क का 22 कैरेट की नहीं है जी, हमने मशीन से टेस्ट करवाई है, इसका हेड तो है 90% का सॉरी, और टाका जोड़ने वाला है वो 50% लमसम है जी। तो इसको हम गलाएंगे तो एक्चुअल रिपोर्ट आएगी, गलाने के बाद 80% आए, 81 आए, 78 आए, वो गलाने के बाद मालूम होगी जी। इससे पहले हम फिक्स कुछ नहीं कह सकते इसमें कितना सोना है, बाकी हॉलमार्क का नहीं है, हॉलमार्क का नहीं है। हाँ जी, तो इसमें कहीं ना कहीं लग रहा है आपको पूरी तरीके से गड़बड़ी है। हाँ इसमें गड़बड़ी, हॉलमार्क होता तो पास हो जाती, मशीन ने पास नहीं करी, मशीन वाले ने टेस्ट वाले ने फेल कर दी। ऐसे ही बड़ी तमाम खबरें और जानकारियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।